किससे बात कर ले? किससे बात कर ले? जिससे बात कर रही हूँ ना वो दिखाई नहीं देता है, भूत है। अच्छा। Hi guys, welcome back. This is Padmini and you're watching our channel, The Singaaj Girl. So, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज लेटे लेटे क्यों व्लॉग कर रही हूँ? Because मुझे पिंपल हुआ है. I know, अभी तक आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा मेरे पिंपल को, लेकिन मेरे बोलते ही आप मेरे पिंपल जो है ढूंढना शुरू कर दोगे मेरे फेस पे और आपको मेरा पिंपल जो है नजर आ गया है. यस, मुझे पिंपल हुआ है इसीलिए मैं लेटे लेटे ब्लॉक कर रही हूँ. जोक्स अपार्ट, वैसे मेरा माऊ है मेरे साथ में, ये दुनिया का सबसे हैंडसम बैचलर म्याऊ. सो आई नो आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया है कि ये वीडियो किस बारे में है. इस वीडियो में मैं आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे थे वो सारे मैं आप लोगों को आंसर करने जा रही हूँ. से स्टे ट्यून इन. सो पहले तो थैंक यू सो मच गाइज जिन जिन ने जो है क्वेश्चंस डाले एंड थैंक्स टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने नहीं डाले. आई कैन अंडरस्टैंड किसी ना किसी चीज़ों में आप बिजी रहे होंगे. तो पहला क्वेश्चन जो है वो है अमित चिलवंटे से, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा. सो उनका क्वेश्चन जो है वो है वेयर आर यू हाइडिंग योर विंग्स. आई हर्ड इन स्टोरीज दैट एंजल्स हैव विंग्स एंड यू आर नॉट लेस देन एंजल. OMG, मतलब ये काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है वैसे. सो अमित थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. सो इसका मैं आंसर कुछ इस तरीके से देना चाहूंगी. सभी को खुद को एंजल समझना ही चाहिए. जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक आप दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकते हो, ऐसा मैं मानती हूँ. तो हाँ, मैं हूँ एंजल और भगवान ने मुझे विदाउट विंग्स जो है भेजे है, क्योंकि मेरे विंग्स आपको दिख नहीं रहे हैं. क्योंकि भगवान ने मुझसे ये कहा है कि भाई तू जा ऐसे ही और अपने विंग्स खुद बना और अपनी उड़ान खुद भर. तो मैं बिलीव करती हूँ कि भगवान ने बना के भेजा है, अब बस अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है. तो आई होप आई सेटिस्फाइड यू विथ माई आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे अमित का दूसरा क्वेश्चन ये है कि 10+3=1. मेरी मैथ्स जो है वो बड़ी खराब है, सॉरी आई कांट आंसर दिस. और ना ही मैंने कोशिश की गूगल करने की, बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं ऑनेस्टी से आपको आंसर करूँ. तो मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है, तो आप ही कॉमेंट करके प्लीज बता दीजिए. तो वैसे इस वीडियो के लिए मैं सारे कोने घर के जो है वो ट्राई आउट कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशन गावड़े की तरफ से. वैसे इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, ही इज़ द वन हु इज़ बीन फॉलोइंग मी सिंस माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो एंड काफ़ी अच्छा बंदा है, हमेशा मुझे मोटिवेट करता है, हमेशा सपोर्ट करता है. और हमारी दोस्ती कुछ इसी दौरान हुई है, वरना हम बात भी नहीं करते थे. सो हिज क्वेश्चन इज हाउ वॉज योर जर्नी. तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये एंड आई वुड लव टू आंसर दिस. सो गाइस अगर जर्नी की बात करें तो ये एक ऐसा फेज रहा है जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है. इस जर्नी के थ्रू मैंने खुद को पहचाना है कि मैं एग्जैक्टली क्या हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ. अब तक जो मैं थी वो बस एक रोती हुई इंसान थी जो अपने कमियों के वजह से या जो अपने प्रॉब्लम्स के वजह से बस रोती रहती थी. कहीं ना कहीं ये लाइफ में जो है मेरा फेज है उसकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ. आई डोंट नो कि मैं आगे कहाँ तक जाऊँगी, बट सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ऐसा कुछ चीज़ किया एंड इस फेज के दौरान मैं ऐसी सारी चीज़ें कर रही हूँ जो मैं पहले नहीं करती थी. एंड आई एम लिटरली वेरी मच हैप्पी. अब तक जितना भी जो भी आप लोगों ने प्यार दिया है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ. और ऑब्वियसली मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि मैं उस टॉप लेवल तक पहुँच सकूँ और जो मैंने ड्रीम्स देखे वो मैं ड्रीम्स अपने पूरे कर सकूँ. हमारा दूसरा कोना पीछे वॉशरूम, यहाँ मेरा फेवरेट आईना. तो ये जो सवाल है ना बड़ा ही मजेदार है, गौर से सुनना. ये लिखा है मिस्टर केवल शर्मा जी ने. तो इनका सवाल है डू यू फील योर लेडी मुंबई का निखिल. आई फील सो एज योर सब्सक्राइबर. यू मेक लाइफस्टाइल व्लॉग्स एंड मोस्टली शेयर योर बेस्ट व्यूज अबाउट प्रोडक्ट यू यूज. This is my question. Do you wish to be Mumbai ka Nikhil? And you are a lady Mumbai ka Nikhil? Question mark. Don't take it in a wrong way. I love your videos. Keep them coming. Okay. Aur heart bhi hai. Okay. So, pehli cheez, I am a great fan of Mumbai ka Nikhil. Agar koi log nahi jante, waisa ho hi nahi sakta ki koi nahi jaane unhe.
इनकेस अगर आप लोग नहीं जानते हो तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए यूट्यूब पे, ही इज अ ग्रेट लाइफ स्टाइल ब्लॉगर। उनके जैसा तो नहीं बनना चाहती हूँ, बिकॉज जब मैंने अपना नाम सोचा था द जिंगार्ड गर्ल, तब ये सोचा था कि मैं अपने नाम को ही ब्रांड बनाऊंगी भाई, भले ही उसमें सालों साल क्यों ना लग जाए मुझे। बट हाँ, ही इज एन इंस्पिरेशन, बिकॉज जिस तरीके का उनका ट्रेमेंडस काम है, प्लस जिस तरीके का उनका डेडिकेशन है, उनसे मैं सीखना जरूर चाहूंगी, बट उनके जैसा बनना नहीं चाहूंगी। और मैं कोई चीजें रॉन्ग वे में नहीं लेती हूँ, सब चीजें राइट वे में ही लेती हूँ, तो आन दो चलेगा अपने को। एंड ऑफ कोर्स आई लव शेयरिंग माय प्रोडक्ट रिव्यूज एंड ऑल, बिकॉज ऑब्वियसली मैं क्या यूज कर रही हूँ और क्या चीजें मुझे अच्छी लगती है या बुरी लगती है, वो मुझे अच्छा लगता है शेयर करना। सो घर के अंदर के सारे कोने जो है वो खत्म हो चुके हैं, तो अभी हम बैठे हैं स्टेयर्स पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ली जॉर्ज से, और वो मुझे पूछते हैं व्हेन इज योर नेक्स्ट फूड चैलेंज वीडियो एंड व्हाट्स योर फेवरेट एंड मोस्ट हेटरेट फूड। सो भाई, नेक्स्ट चैलेंज वीडियो जो है वो मैं कुछ लोगों के साथ में करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट कि मैं अकेले कोई चैलेंज वीडियो करूँ, तो मेरे दिमाग में जो है वो पानी पूरी चैलेंज है, बिकॉज पानी पूरी जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सो आई वॉन्टेड कि कोई मेरे साथ में जो है वो कम्पीट करे। इनकेस कोई अगर ये वीडियो देख रहा है और किसी को ये चैलेंज मेरे साथ में करना है, तो प्लीज़ कॉमेंट बिलो व्हाट इज़ माई फेवरेट फूड। फेवरेट फूड आई वुड से कि मुझे चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, और पिज़्ज़ा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पसंद है, इट्स माई फेवरेट। सबसे ज़्यादा चीज़ से जो मैं नफरत करती हूँ वो है भिंडी की भाजी। मुझे भिंडी की भाजी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सिंपल भिंडी हो, मसाले वाली भिंडी हो, कैसी भी हो, मुझे नहीं पसंद है भिंडी की भाजी। और जो आखिरी चीज़ मैं आंसर करने जा रही हूँ, उसके पहले एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ना आईब्रो करवाना है, तो इसलिए मैं बाहर निकली हूँ, देखते पार्लर ओपन है या नहीं। सो हो गया अपना आईब्रो। सो घरगुती पार्लर है भाई, पास ही में एकदम, और काफ़ी पुराना है। कुछ बचपन से मैं इनके पास में हेयर कट अपना करवाती हूँ, कोई बहुत बड़ा लॉरियल टाइप नहीं है, एकदम घरगुती है। तो हो गया, तो लेट्स जस्ट आंसर द लास्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो TSP से है। ए बच्चे इधर आना। तो थोड़ी सी मदद इस बच्चे की ले लेते हैं, ऐसे पकड़ के रखेगा दो मिनट के लिए खाली। तो सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से, वाई आर यू ऑन यूट्यूब, मतलब आप यूट्यूबर क्यों बने, एंड कोई स्पेशल रीज़न। तो वैसे रीजंस जो है ना वो बहुत सारे थे यूट्यूब पे आने के लिए। एक चीज़ तो ये थी कि बटोवे से अपना जो डर है वो भगाना था। दूसरी चीज़ एक ऐसा एग्जांपल सेट करना था सभी के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंसान जो है वो खूबसूरत होता है वही आगे बढ़ सकता है, जिसमें टैलेंट होता है, जो कुछ कर सकता है वो भी आगे बढ़ सकता है। एंड एक रीज़न तो आप लोग सभी जानते ही है कि आई वॉन्ट टू मीट ऋतिक रोशन यार, मतलब बचपन का प्यार है मेरा वो, आप कह सकते हो। एंड हमेशा से चाहत थी कि कुछ करूँ खुद के बलबूते पे कि उनसे मैं मिल सकूँ, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ फैन गर्ल, आई वुड से कहीं ना कहीं मेरे लिए वो एक ऐसे इंसान है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे मेन चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, जो भी है एकदम स्टेट अवे बोलूँगी मैं, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाना है अपने पेरेंट्स को, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो जो है फ्रेंकली मैं बोलना चाहती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई कॉन्टेंट TSP, जिन्होंने ये क्वेश्चन डाला है। एंड बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आई एम मेड फॉर दिस, शायद मैं खुद को पहचान पाई हूँ यूट्यूब के ज़रिए। थैंक यू। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरे ख्याल से मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आपके बहुत अच्छे से आंसर किए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ जिंगार्ड गर्ल की सेवाएँ जारी रखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब, रुक जा रुक जा, आराम से बोलना। लाइक सब्सक्राइब, अरे रुक जा, तेरे मुझे बोलने दे। सो ये बहुत ही क्यूट सा इधर बच्चा मिला है मुझे जो मेरे लिए कुछ बोलना चाहता है। बोल बच्चे। बाय। लाइक लाइक, शेयर शेयर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। थैंक यू। क्या नाम है तेरा? कार्तिक। कार्तिक, थैंक यू कार्तिक।